देखिए ये रणनीति है और इसके तीन मायने हैं। पहला मायने ये है कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के तीन से चार नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। अगर एक नाम को प्रस्तावित किया जाएगा तो बाकी जो नाम है वो घर बैठ जाएंगे। अगर किसी को नहीं प्रस्तावित किया जाएगा तो ये सभी सामूहिक नेतृत्व में और बहुत मन लगाकर इस बात को सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, वो बन सकते हैं। ऐसे में आपस में कोई विद्वेष नहीं होगा। दूसरे इसके मायने ये हैं कि जब जनता है वो किसी भी राज्य के स्तर के नेता से अगर नाराज है तो वो मोदी से तो नाराज नहीं है। अगर मोदी से नाराज नहीं है और मोदी के नाम पर प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का वोट भारतीय जनता पार्टी मांगती है तो फिर मोदी जी ही तय करें कि कौन मुख्यमंत्री बने, जनता उसे स्वीकार करे। और तीसरा ये है कि जिन राज्यों के आपने नाम लिया, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इनको जनता देख चुकी है, तो अगर इनको प्रस्तावित करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं कि जो इनको पसंद नहीं करते हो तो एंटी इनकम्बेंसी इनके पास हो, इनके खिलाफ हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रार नहीं ठानना चाहती है और केवल लक्ष्य चाहती है कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए कोई आपस में रार विद्वेष नहीं, सब मिलजुल कर सबका साथ सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव में जाए और भाजपा की सरकार बनाए। लेकिन जब चेहरों की बात होगी, आशीष आपसे समझना चाहूंगा मैं, क्या इस मामले में खासतौर पर अगर मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर लूं तो कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है, नतीजा जो भी हो, मैं चेहरों की बात कर रहा हूं। देखिए निश्चित तौर पे मैं तो इन दोनों स्टेट्स को विजिट करके आया हूं और पहले मैं जरा सा एक छोटा सा अपना व्यू दे दूं। अखिलेश, जो आप नीरज से बात कर रहे थे, वीरेश से बात कर रहे थे, देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में झेल रही है और ऐसे में राजस्थान फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए एक जगह ये गलती नहीं करना चाहेगी कि एक जगह चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर कर दिया तो दूसरी जगह विद्रोह हो जाएगा। वसुंधरा राजे फिर क्यों चुप बैठेंगे? मुझे लगता है ये फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पर, देखिए खुल करके कौन होगा अगला चीफ मिनिस्टर ये नहीं बोला गया है, लेकिन सेवरल ओकेजन्स पर राजस्थान में ये बोला जा चुका है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इन एज मेनी वर्ड्स ये नहीं कहा गया है कि वही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, बट इट्स अ गिवन। मुझे लगता है मैसेज लाउड एंड क्लियर है और कमोवेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। सभी लोग जानते हैं कि जब ये बहुत बड़ा विवाद हुआ, आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों में, कि भाई रोटेटरी बेसिस पे एक सहमति बनी थी कि आप हटेंगे और टीएस सिंहदेव को मौका देंगे, तब जब नहीं किया तो अब इट्स अ गिवन इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो। लोग जानते हैं अच्छे से कि अगर चुनाव जीतने की स्थिति में आती है कांग्रेस तो फिर से भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेजियस पोजिशन जरूर कांग्रेस के साथ बीजेपी के बनिस्पत है। जैनेन्द्र, ये भी लेकिन कम दिलचस्प नहीं है कि बार बार बीजेपी की तरफ से इंडिया में पूछा जाता है कि आपका चेहरा कौन होगा इन तीनों राज्यों में, लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है फिलहाल, सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।